हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यमी डिलीशियस विंटर स्पेशल रेसिपी। सो आज मैं वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि ये यमी डिलीशियस रेसिपी कैसे बनाएं और इतना यमी क्यों है ये और डिफरेंट क्यों है ये, जरूर आप देखिए वीडियो में हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और देखिए कि कैसे बनाते हैं रेसिपी। सो फ्रेंड्स, हम आज बनाने जा रहे हैं यमी डिलीशियस और हेल्दी मूली के पराठे। मूली के पराठे आप सभी बनाते हैं, पर ये मूली के पराठे ये डिफरेंट है। इस तरीके से आप बनाकर देखिए, इतना यमी बनेगा ये कि आप कहेंगे कि बहुत यमी है और आपके परिवार के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से बनाते हैं हम ये यमी डिलीशियस और इतना स्वादिष्ट मूली के पराठे। मैजिक किचन आपके लिए लाते हैं बहुत सारे मैजिकल रेसिपीज और हम जगाते हैं इंग्रेडिएंट के साथ जादू। सो मैजिक किचन के साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से। जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ में और हम लाएंगे आपके लिए यमी डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगा लेते हैं डो। हमने लिया 1 कप बेजर का आटा, 1 कप बाजरे का आटा, 1 कप मक्की का आटा और गेहूं का आटा हम लेंगे 2 कप और ये 3रा कप हम लेंगे सूजी। तो इस तरह से 6 कप हमने लिया है फ्लार। हमने ऐड कर दिया सॉल्ट और अजवाइन। अजवाइन हमने हाथों में क्रश करके ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी तरह का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और लगा लेंगे 1 डो। डो बहुत हार्ड नहीं लगाना हमें और बहुत पतला भी नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरह का डो हमने लगा के रेडी कर लिया। इसमें हम ऐड कर रहे हैं देसी घी, ये पिघला हुआ घी है। सो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और इस घी के साथ में हम इस डो को थोड़ा सा चिकना कर देंगे और ढक के रख देंगे। चलिए बना लेते हैं हम स्टफिंग। हमने डो को रेस्ट करने के लिए रखा है तकरीबन 10 से 15 मिनट, तब तक हम स्टफिंग तैयार करें। ये हमने बड़े वाले कद्दूकस से इस तरह से मूली को छील कर और उसे धो के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रखा था हमने, तो वो हम उसको निचोड़ कर इस तरह से हम मूली निकालेंगे। थोड़े से उसमें मूली के पत्ते भी हम उसी तरह से चॉप करके रखा था, नमक डाल के और फिर पानी हटा दिया। हमने ऐड किया इसमें जिंजर, चॉप ग्रीन चिली। इस तरह से हम चॉप करेंगे ग्रीन चिलीज को तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब को हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी का पोर्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने ग्रेट करने के बाद नमक मिलाया और उसे हमने अच्छे से नमक के पानी को निकाल दिया निचोड़ कर और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया ये सारी चीजें। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हींग। हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये चॉप किए हुए कोरिएंडर। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं मूली के पत्ते और कोरिएंडर जब आप इसमें ऐड करते हैं। तो हमने इसमें हींग इसलिए ऐड किया ताकि जो मूली के पत्तों की वजह से थोड़ा सा गैस बनता है तो वो नहीं बनेगा। हमने ये 3 तरह के मसाले लिए हैं, कोरिएंडर, जीरा और काली मिर्च। इसको हमने ग्राइंड कर लिया दरदरा और उसको हम मिला रहे हैं इस मिक्सचर के अंदर। हम ऐड कर रहे हैं हल्दी। कोरिएंडर और जीरा हमने 1 टीस्पून लिया था और काली मिर्च भी 1 टीस्पून। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए एक सूखा सूखा सा बहुत अच्छा सा
स्टफिंग बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा मसाले ना मिलाएं, जो मसाले हम मिला रहे हैं उनका स्वाद अलग से पराठों में आएगा। ये देखिए रेस्ट कर चुका हमारा डो और कितना सॉफ्ट हो गया है, ये अच्छे से ढल गया है। तो हम इसको लेकर इस तरह से हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, इसको और मथने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हाथों के बीच लेके जस्ट इस तरह से रोल करें और रोल करने के बाद इसे ड्राई आटे के अंदर अच्छे से मैरिनेट करके उसके बाद इसको इस तरह से हाथों के बीच में ही लेकर इस तरह से बना ले। और जैसे कचौरी में हम मसाले भरते हैं ना, एज इट इज़ हमें इसमें साइड्स को पतला करके और सेंटर मोटा रखें और उसके बाद इसमें इस तरह से खूब सारा स्टफिंग भरें। स्टफिंग जितना ज़्यादा भरेंगे पराठे का आनंद उतना अधिक आएगा। और फिर उसको इस तरह से हाथों में दबा के और इसको बंद करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, यदि आप अच्छे से नहीं बंद करेंगे तो जब आप बेलेंगे तो ये फट जाएगा और जो मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर का पोर्शन हमने कट कर दिया और अच्छे से दबा के इसको और हाथों के बीच इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह से रोल करने पे पता नहीं चलेगा कि आपने किधर से स्टफिंग भरी है। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है और अब हम इसको अच्छे से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। एक बार ही डस्ट करें, बार बार ना करें। यदि बार बार करेंगे तो वो जब आप फ्राई करेंगे तो उसमें ये डस्ट रह जाएगा। सो देखिए इस तरह से हम उसको बेलेंगे और ये साइड्स को हम इसको पतला करेंगे। साइड से दबाते हुए बेलें जिससे ये किनारे जो है वो अच्छे से पहले बेल जाएगा, तो ये सेंटर जब आप बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं। और यदि आप पहले ही सेंटर दबा देते हैं तो किनारे फट जाते हैं और उसके बाद जो स्टफिंग है वो निकल जाता है। सो देखिए कितने अच्छे से ये बेल गया है और ये बस इतना थिकनेस इसका रखना है। तवा हमने गर्म कर लिया है और गरम तवे पे हम इसको दोनों साइड पहले सेकेंगे अच्छे से। देखिए एक साइड सेक गया तो हमने इसको टर्न कर दिया। इतना सेकना है एक साइड और सेकेंड साइड भी सेक गया देखिए इतने अच्छे से। तो अब हम इसमें खूब अच्छे से लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल लगाएं और आप चाहें तो घी लगाएं। हम यहाँ बटर लगा रहे हैं। बटर का टेस्ट पराठों में बहुत यमी आता है, तो ये बटर इस तरह से आप इसमें लगा दें। हम यहाँ अमूल का बटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अमूल का बटर फुल फैट होता है और इसमें बहुत टेस्टी यमी होता है। तो देखिए एक साइड हम लगाकर हमने टर्न कर दिया और ध्यान रखें कि एक साइड खूब अच्छे से सेक ले और तब उसको सेकंड साइड में भी बटर लगा के फिर टर्न करें। तो देखिए हम एक साइड अच्छे से सेक रहे हैं और फ्लेम हमने मीडियम पर रखा है। ये देखिए एक साइड खूब अच्छे से सेक लिया और सेकंड साइड भी हम बटर लगा रहे हैं अच्छे से और सेकंड साइड बटर लगा के हम इसको टर्न करके फिर सेकंड साइड सेकेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सेक गया ये। तो इस तरह से सेकेंगे तो आपके पराठों का आनंद दुगना हो जाएगा। और इसमें मल्टी ग्रेन आटा है, इस वजह से इसका हेल्थ की रीजन से आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा है। और फिर हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बटर में सेक रहे हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो बहुत होता है। सो ये देखिए कितना यमी डिलीशियस पराठे बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। ये देखिए हमने सेकंड पराठा भी इसी तरह से बना लिया है और हम इसको उसी तरह से सेक रहे हैं। तो इसी तरह से आप सारे पराठे सेक लें और आपके तैयार हो जाएंगे बहुत यमी डिलीशियस पराठे। ये देखिए उसी तरह से हम लगा देते हैं बटर ऊपर के साइड में। एक साइड हम अच्छे से सेकने के बाद फिर टर्न करके सेकंड साइड भी सेकेंगे। तो खूब सारा बटर आप यूज़ करें इसमें, जितना बटर होगा उतना सॉफ्ट और यमी आपके पराठे बनेंगे। तो ये स्पेशल मूली के पराठे हैं, हेल्दी हैं और बहुत यमी। और ये विंटर सीजन में मूली मिलती है खूब अच्छे से, तो ज़रूर बनाइए इस तरह से पराठे और हमें बताइएगा कैसा बना। ये आपके परिवार वालों को कैसा लगा, जो आप मूली के पराठे बनाते थे उससे ये डिफरेंट है। सो कितना यमी है, कितना स्वादिष्ट है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए हमने ये सेकंड पराठा भी खूब अच्छे से सेक लिया है
और इस तरह से हम सारे पराठे सेक के रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड कितने अच्छे से सेक गया है। तो ऐसे ही हम सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए थर्ड पराठा भी हमने सेक लिया है। तो पराठे सेकने का आनंद भी फ्रेंड्स बहुत होता है, और जब ये पराठे बहुत अच्छे से कुरकुरे सिक जाते हैं तो खाने का आनंद भी दुगुना हो जाता है। तो देखिए कितना यमी है ये, और इसमें हम अपने मनपसंद का बटर डालते हैं तो आनंद और दुगुना हो जाता है। आप इसका जो कलर है वो देख सकते हैं, हम दबा दबा के हम सेकते हैं ताकि किनारी बहुत अच्छे से सिक जाए, और जो एक सॉफ्टनेस है और एक क्रंचीनेस है दोनों बना रहता है। तो इस तरह से ये गोल्डन यमी मूली के पराठे रेडी हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हैं हमारे सारे मूली के पराठे। हम थोड़े से और बटर के साथ इसको गार्निश कर रहे हैं, और ये थोड़े से स्टफिंग है जो कि बहुत यमी है, और इस स्टफिंग के साथ आप बनाकर देखिए और इसे परोसिएगा किसी भी तरह की चटनी के साथ। मुझे तो ये यूं ही अच्छे लगते हैं, सॉस के साथ ले या फिर किसी भी चटनी के साथ बहुत यमी लगते हैं, और चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो जल्दी से बना डालिए ये यमी डिलीशियस मूली के स्पेशल पराठे और हेल्दी पराठे। हमें बताइएगा ये हेल्दी पराठा आपको आपके परिवार वालों को कैसा लगा। शेयर कीजिएगा आपके रेसिपी की पिक, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आपको हम देंगे खूब सारी रेसिपियों का खजाना।